ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ଭୋଟର, ଯାହାଙ୍କର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଥର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି, ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭୟା ଆପ କ୍ୟା କରତେ ହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ୍ୟା ହେ? हम तो पोस्ट ऑफिस जॉब करते हैं, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ जी। इस बार आप तो युवा हैं, इस बार आप वोट देने के लिए जाएंगे, मुद्दे क्या रहेंगे आपके सामने? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन रूप से तो जो युवा के लिए मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी में ही बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि आजकल के जो युवा हैं सब बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन सरकार को चुनना चाहिए। आप भैया आप क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सर। क्या उम्मीद रखते हैं आप युवा हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादे भी किए हैं, कोई 10 लाख नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, कोई 19 लाख नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि अगर कोई जो युवा हर महीने जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1500 रुपये देंगे। आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से या किसी राजनीतिक पार्टी से, आपके सामने मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं वैसा वादा तो कुछ भी नहीं रहता, बस इलेक्शन का वादा है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा, बस जैसा है बस शांति माहौल चाहिए, जो जैसा बना हुआ है अगले 15 सालों से ऐसा ही आगे चलते रहे, बाकी वादे तो नौकरी कहाँ से देगा, वैसा कुछ बिहार में वैसा चीज़ रहेगा तब ना नौकरी देगा, वैसा तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से नौकरी मिलेगा। बिहार के युवा क्या चाहते हैं बिहार में? युवा तो चाहते हैं अपना रोजगार, अभी सभी युवा बेरोजगार हैं, तो सभी युवा का तो एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार का कोई एक रोजगार मिल जाए। कैसा किस तरीके का रोजगार आप चाहते हैं, किस तरीके का माहौल आप देखना चाहते हैं बिहार में? ତ ବିହାରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବୁଝୁଥିଲୁ କି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପ କ୍ୟା କରତେ ହେଁ? ହମ ତୋ ଏସେ ଟିଚିଂ କା କାମ କରତେ ହେଁ, କୋଚିଂ ଚଲାତେ ହେଁ ଔର बिहार में मतलब क्या पूछना चाहते हैं? तो भैया आप क्योंकि चुनाव इस बार होंगे तो मुद्दे कई सारे हैं, तो युवाओं के लिए क्योंकि आप एक युवा हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कोचिंग भी देते हैं, तो क्या रहते हैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाली सरकार से, और किस मुद्दे को लेकर वोट देने जाते हैं आप? बिहार में तो अनेकों मुद्दाएँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा भी वर्तमान में बिहार में बेरोजगारी है, और शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए न वर्तमान सरकार देख रही है, ना पिछले यानी 30 सालों से जो भी कर रही उनको कोई भी शिक्षा से ध्यान नहीं दिए। स्कूल तो नीतीश कुमार जी बनवाए बहुत, लेकिन वहाँ शिक्षकों का व्यवस्था जो है उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया, इसलिए बच्चे आजकल कोचिंग और प्राइवेट संस्थान पर ही डिपेंडेंट है। और तो कि कोई भी वैकेंसी चलता है 20 से 2000 5000 तो उसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरी नहीं मिल पाता, जहाँ तक कि जैसे तैसे घूस दे के लोग नौकरी ले लेते हैं और पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। और हर क्षेत्र में घूस पड़ गया है कि कोई भी क्षेत्र हो, यानी कि ब्लॉक हो, मुखिया का कोई भी, यानी बिना घूस काम होता है, हर क्षेत्र में घूस चलता है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि ये शुरुआत में 5 साल नीतीश 10 साल से यानी कि जो व्यवस्था बदतर हो गई है, दारू शराब बंद है तो बंद नहीं है, सब जगह बिक रहा है, घर घर में दारू बिक रहा है, सब तरह इतना माफिया पल रहे हैं कि यानी कि हर क्षेत्र में जहां गुंडा नहीं था गुंडा भर रहा है, यानी अच्छा लोग सही लोग भी रास्ते अपनाने लगे हैं धीरे धीरे, ऐसा स्थिति बिहार में आ गया है, तो ये बदलाव आना चाहिए। बिहार जुम्मन स्वर रही, परिवर्तन स्वर रही, रोजगार रही प्रथम मुद्दा, एवं रोजगार सिस्टम करते भैया आप एक युवा हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले सरकार से, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देने के लिए जाते हैं? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सब जो भी आएगा सब वैसा ही है जैसा ही है। तो फिर भी आप क्योंकि कुछ बोलते हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे, कोई बोलता है 19 लाख देंगे, कोई बेरोजगार युवा को 1500 देंगे, फेंकता है सब, फेंकता है मतलब कि ऊपर से नीचे तक सब फेंकने वाले हैं बस, और कोई कुछ कहने वाले किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ତ ଏଠାକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସହିତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ କିଏ ବଚେ, ତ କ୍ୟା ଉମ୍ମିଦ ରଖତେ ହେଁ ଔର ବଚ୍ଚୋକୁ କେସି ବତାତେ କି ବିହାରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେ, କ୍ୟା ଚାହତେ ହେଁ ୟୁହା କେ ୟୁବା, ଔର କିସ୍ ତରହ ସେ ରୋଜଗାର ୟହାଁ ପେ ହୋନା ଚାହିଏ, କେସେ ୟୁବା ରୋଜଗାର ମିଲେ, କ୍ୟା ରାଜ୍ୟ
देश में शिक्षा सर्वोपरि होती है। शिक्षा यदि सुदृढ़ होती है तभी उस देश का सम्यक विकास होता है। और वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। शिक्षा नाम की कुछ चीज़ ही नहीं रह गई है। इसलिए हम परिवर्तन के मूड में हैं। यदि सर्वती है युवा सरकार गठन होता है तो निश्चित रूप से कुछ नया सोच उनका होगा, कुछ परिवर्तन जरूर लाएंगे। हर क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा, हम लोग को ऐसा उम्मीद है। इसलिए इस सरकार से ज़्यादा की है। प्रारंभिक जो चरण था, सबसे पहला चरण, उसमें इनका काम बेहतर रहा, बस उसी के आधार पर ये सरकार चल रही है। और जो अंतिम दो चरण है उसमें कोई काम हो नहीं पाया है। बेरोजगारों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं। प्रतिक्रिया मध्ये सत्तार परिवर्तन रोजगार कथा कहतु विभिन्न प्रसंगक वर्तमान एठिकार बासिंदा मैंने रखुच्च नाड़ंदार जो रही भोटर मैंने युव भोटर मैंने शिक्षक मैंने विभिन्न प्रसंग पर आलोचना करते रोजगार को सेने प्रथम मुद्दा कर शिक्षा को सेने द्वितीय मुद्दा कर तो रोजगार ही शिक्षा ए दुटा प्रसंग को लेकिन भोट देवाई जी नाड़ंदारू टूर्णा मंडल इमरान खान और गस्तुस।